बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीखें उस रफ़े जंजल के लिए जिसने हमें पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क नवाजा, और दुरूद व सलाम आकाए दो जहां की जात पर जिनकी मोहब्बत हमारे दिलों की धड़कन है। हम्द व सलात के बाद हजरात ज़िम्मेदार, मेरा आज का मौजू कौमी तराने का पस मंजर है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी जुबान में हक की चाशनी अदा फरमाए। ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, वतन ये मिट गया तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, जमीन ये मिट गई तो तुम भी मिट जाओगे नादानों, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। के पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, के पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। हजरत अली वकार, बीसवीं सदी के वस में मुल्क खुदादाद पाक सरजमीन का क्याम अमल में आया, जिसकी जिद्दोजहद में जहाँ सैकड़ों हजारों की मेहनत शामिल है, वहाँ इस सैकड़ों हजारों बाल के लहू से इस वतन अजीज की मिट्टी ने आबियारी पाई, जिसके मकसद हयात की तर्जमानी और उसके नजर हयात की पासवानी के लिए अबुल असर हफीज जलंधरी के पुरमक्स नजम पाक सरजमीन शादबाग को कौमी तराना की हैसियत हासिल हुई, और जिसके तरन्नुम के लिए अहमद गुलाम अली छांगला के दिल को मुंतखब किया गया। हजरात मोहतरम, इस कौमी तराने का उस मंजर कुछ यूं है कि नवाबजादा लियाकत अली खान ने 1949 ईस्वी में कौमी तराना के लिए एक कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी के फिर दो जिले हिस्से बनाए। एक हिस्से का काम बोल का इंतखाब करना था, और दूसरे हिस्से का काम उसके दिन का इंतखाब करना था। हजरत मोहतरम, सबसे पहले जो पहली कमेटी थी जिसका मकसद तराने के बोल का इंतखाब करना था, और दूसरी कमेटी जिसका मकसद उसके दिन का इंतखाब करना था, ये दोनों कमेटियों का तश्कील देने के बाद इस कमेटी का पहला इजलास 1 मार्च को कराची में सरदार अब्दुल हक मिश्र के घर पर मुनक़द हुआ, और बाद अजीम अखबार में भी इश्तहार दिए गए कि ताकि अवाम में जुड़कर तराने को तश्कील दे सके। इसके बाद जब दूसरा इजलास 4 जुलाई को मुनक़द हुआ, तो उसमें सैकड़ों तराने जो मौसूल हुए का जायजा लिया गया, लेकिन कोई भी तराना कौमी तराने के लिए मौजू करार ना पाया। उसके बाद जब तीसरा इजलास मुनक़द हुआ, तो तीसरे इजलास में अहमद गुलाम अली छांगला के दिन को मुंतखब किया गया, और फिर उस दिन को बजाने के लिए 21 आलात मौसीकी और 31 साज इस्तेमाल हुए, और उस दिन का सबसे पहले मर्तबा पियानो पर बहराम सोराम रुस्तम ने रेडियो पाकिस्तान पर बजाया, और उस दिन को हर रात रेडियो पाकिस्तान पर बजाया जाता रहा, और उस दिन के मुताबिक में शराय हजरात तराने लिखने में मसरूफ रहे, यहाँ तक के 723 तराने मौसूल हुए, जिनमें से हफीज जलंधरी, हकीम अहमद शुजा और सैयद जुल्फकार अली बुखारी के तराने को मुंतखब किया गया। फिर इन तीनों तरानों को बीबीसी के अदारे को भिजवाया गया ताकि इनको दिल के मुताबिक किया जा सके, और फिर हफीज जलंधरी के तराने को ऐन दिल के मुताबिक करा दिया गया, जिस तराने को हफीज जलंधरी ने फारसी जुबान की चाशनी में लिखा था, और सिर्फ उर्दू का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो फनी सलाहियतों और शायरी का आला फनी मेयार है। उसके बाद इस दिन को 4 अगस्त 1954 ईस्वी में कौमी तराना करार दिया गया, और यौम आजादी से एक दिन कबल यानी 13 अगस्त को इसको रेडियो पाकिस्तान पर 11 गुलकारों ने गाया, और उसके बाद 16 अगस्त को इस कौमी तराने को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉड कास्टिंग ने भी कौमी तराने के तौर पर मुंतखब कर दिया, और इस तराने ने फिर दिलों के कुछ यूं और इस तराने ने दिलों के फिर कुछ यूं तेज छिड़े कि जिसको सुनने वाला कौम व कौम बनी, जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है, हम जुल्म से कब घबराते हैं, हम तेज से कब घबराते हैं, इकबाल ने भी फरमाया था हम तो
लोग सभी लग जाते हैं। हजरत जी बकार मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो लोग ये कहते थे कि मुल्क न जम पाएगा, कुछ दिनों के बाद ये दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आज आज कई आंधियों का मुकाबला करते हुए मुल्क पाकिस्तान जो इंसान वादों पर ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। हजरत मोहतरम अल्लाह ताला हमारा ताल्लुक और हमारी नस्बत मदीने के साथ मजबूत फरमाए। और ऐसी आरज़ू और ऐसी तमन्ना के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, तमन्ना है कि सारा हिंद पाकिस्तान हो जाए और बारे दिगर दीने नबी का फिर ऐलान हो जाए और हम भी देखें अपने खुदा के आखिरी फरमान का मंजिल, नबी की शान का मंजिल, नबी की आन का मंजिल।